महिंद्रा XUV700 वी सेवन डब्लो को बहुत ही जल्द मिल सकती है एक फेस लिफ्ट एंड आज की वीडियो में उसी के बारे में आपको सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वोट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द अपकमिंग महिंद्रा XUV700 वी सेवन फेस लिफ्ट पहले पहले तो हम जो चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट कुड बी विद द नेमिंग स्कीम अभी जैसे कि हमें एक्स यू की भी नेमिंग स्कीम में डिफरेंस देखने को मिला जो उसका नाम अब रख दिया गया है एक्स यू वैसे ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है विद द फेस लिफ्टिड वर्जन ऑफ द एक्स यू वी बिकॉज काफ़ी नाम जो है महिंद्रा ने अभी रिसेंटली ट्रेडमार्क करे थे तो अब नया नेमिंग स्कीम जो है महिंद्रा कुड फॉलो अप जो कि रह सकता है अब नाम फॉर द फेस लिफ्टिड एक्स यू वी सेवन डब्लो दैट कुड बी एक्स यू वी सेवन एक्स ओ हालांकि अभी आपको एक्सी वी सेवन डब्लू में जो अभी ऑलरेडी भारतीय मार्केट में बिक रही है उसमें काफ़ी फीचर देखने को मिल जाते हैं बट विद दी एक्सी वी सेवन एक्सो हमें देखने को मिल सकते हैं मोर फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी क्योंकि उसके जो राइवल रहती है टाटा सफारी उसमें आपको थोड़े बहुत एडिशनल फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि अभी भी आपको एक्सी वी में मिसिंग देखने को मिलते हैं तो इस व्हीकल का जो लॉन्च है भारतीय मार्केट में हुआ था पंद्रह अगस्त दो में एंड उसके बाद इस व्हीकल को थोड़ा बहुत ही अपडेट करा गया है मेजर अपडेट्स इसमें नई देखने को मिले तो इसमें हमें क्या फीचर जो है मिसिंग देखने को मिलते हैं क्या हमें मतलब कि अब एक्स यू वी सेवन एक्सओ में देखने को मिल जाएंगे फीचर तो पहला तो फीचर जो रहेगा वो बेसिक फीचर्स से ही रहते हैं जैसे कि ऑटो डिमिंग इनसाइड रेव्यू मिरर एंड रेयर एडास क्योंकि अभी रिसेंटली हमें एक्स यूवी सेवन हंड्रेड में देखने को मिल चुकी हैं वेंटिलेटेड सीट्स फॉर द फ्रंट रो बट अगर हम इसको कंपेयर करें विद इट्स राइवल सफारी तो उसमें आपको रेयर सीट वेंटिलेशन भी देखने को मिल जाती है विद द सिक्स सीटर वेरियंट इलेक्ट्रिक ओपनिंग टेल गेट रेयर सन ब्लाइंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कोडव सीट एंड मनी अदर स्मॉल फीचर जो देखने को आपको मिल जाते हैं तो वही हम फेस लिफ्टेड वर्जन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यानी कि एक्स यू वी सेवन एक्सओ तो अभी जो इलेक्ट्रिक वर्जन है एक्स यू वी सेवन हंड्रेड की वो भी टेस्ट हो रही है तो उसके जैसे ही हम इंटीरियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द एक्सू वी सेवन हंड्रेड फेस लिफ्ट तो अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने इसमें हमें तीन स्क्रीन की जगह विद द आइस इंजन वर्जन हमें डुअल स्क्रीन सेटअप देखने में मिल सकता है टेन पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंच वाला एंड इंटीरियर कुछ ऐसा ही रह सकता है ओवरऑल अदर देन दै जो हमें इंटीरियर वाइज चेंज देखने को मिल सकता है वो थोड़ा बहुत स्लाइटली रिवाइज सेंटर कंसोल इंक्लूडिंग अ न्यू गेर लीवर फॉर द ऑटोमेटिक वेरियंट एक्सटीरियर वाइज बात करें तो ऑब्वियसली ये फेस लिफ्ट रहेगी तो न्यू एक्स्यूवी सेवन एक्सो में हमें देखने को मिल सकता है नया डिजाइन ऑन दी आउटसाइड एज वेल सिमिलर टू दी एक्स यू वी सेवन हंड्रेड इलेक्ट्रिक जो कि टेस्ट हो रही है अभी एंड दिखाई भी गई थी अभी कुछ टाइम पहले तो हमें नया हेड हेडलैप यूनिट फॉग लैम्प यूनिट सेटअप देखने को मिल सकता है विद माइनर रिविजन वेर एज फ्रंट बंपर एंड फ्रंट ग्रिल हमें कंप्लीटली न्यू देखने को मिल सकती है साइड प्रोफाइल तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी नया अलॉय व्हील्स का डिजाइन देखने को मिल सकता है मे बी क्या बताऊँ उन्नीस इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाए लाइक द टाटा सफारी क्योंकि अभी उन्नीस इंच के अलॉय व्हील्स हमें देखने को मिल चुके हैं

हॉक है वो प्रोड्यूस करता है 185 एंड एटी एट फोर हंड्रेड ऑफ पीक टॉक दोनों ही इंजन आपको सिक्स स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक एंड सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर कर दिए जाते हैं अब बात करें इस व्हीकल के लॉन्च के बारे में तो हम ट्वेंटी में कभी भी इस व्हीकल का जो लॉन्च है एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दो में एक्सी वी को आए हुए भारतीय मार्केट में ऑलमोस्ट चार साल हो जाएंगे तो तब इसको अपडेट मिलना बहुत ही जरूरी है सो वी कैन एक्सपेक्ट द एक्सी वी टू लॉन्च सम टाइम अराउंड इन 2025। बाकी ये थी मेरी कुछ वीडियो ऑन द एस वी सेवन हंड्रेड फेस लिफ्ट आई होप आप वीडियो अच्छी एंड इंफॉर्मेटिव लगी होगी मैं मिंद्रा थार्ड थ्री डोर की भी फेस लिफ्ट वीडियो बना चुका हूँ उसके बारे में अगर आपने डिटेल जानी तो आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा आपको आप उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं सो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर अच्छी लगी